नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रोशनी के 5 दिनों का त्योहार दीपावली धनतेरस से शुरू हो जाता है। 5 दिनों का ये शुभ त्योहार आरोग्यता के साथ साथ धन संपदा समृद्धि और कल्याण में वृद्धि करने वाला माना जाता है। धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है, चाहे आप धनिया ही क्यों ना खरीदें। लेकिन धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाए उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसीलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। इसी के साथ धनतेरस पर सिर्फ आप 2 रुपए की ये एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बरसेगा। कहने का मतलब है कि धन की बारिश होगी, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और ज्ञाता माना जाता है। बड़ा ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिर्फ 2 रुपए की चीज इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ बताई गई कुछ सामग्री को खरीद सकते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदनी है उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदा है तो उस वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, तो उस वाहन के साथ फिर कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीददारी की जाती है उसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितने पैसे हों, आपके पास जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो में बताई गई 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर कर देंगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। मैं 5 चीज बता रही हूँ, आपके घरों के आसपास में ये चीज मिल जाएगी तो खरीद लेना, आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में लिख दें जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, सबसे पहले कमल के बीज, ध्यान से सुनिएगा। कमल के फूल को जो है निकालने के बाद इसे कमल का बीज निकलता है जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं। जो इसके अंदर से बीज निकलता है उनकी माला बनती है जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनकी माला का जाप होता है। तो देखिए, जो कमल की माला के गट्टे होते हैं जो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, कमल के जो बीज होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है, तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को 5-5 आपको कमल के जो बीज हैं वो समर्पित कर देने हैं और आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी को मिटा दीजिए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करनी है कि महाराज, हमारा घर हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल के बीज इस दिन खरीद कर लाइए, माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे क्योंकि इस समय दिव्य शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार को वो सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक पहुँचा देती हैं। अब इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये हमें निरोगी काया प्रदान करती है, हमें निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो हैं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, धन्वंतरी महाराज जी को, धन्वंतरी देवता को जो है दोस्तों उन्हें वैद्य कहा गया है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैधानिक धन्वंतरी महाराज हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय हैं।
हम सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा के कारण ही हमें वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है कलाबज, गोदबज या फिर जो शंकर जटम या सर्वे अवधि नाम की एक औषधि होती है, आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेगी, तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है आप जो हैं इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी बूटी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं। फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटियां होती हैं या फिर चमत्कारी जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद कर लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। लंबे समय से कोई बीमार पड़ा व्यक्ति है, वो चलने फिरने में सामर्थ्य उसमें नहीं है, तो उसकी नाक में अगर इसकी 3 बूंद जो है औषधि ला रहे हो, उसकी 2 से 3 बूंद दी जाए तो वो व्यक्ति भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर ही चलने फिरने के लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं, इसीलिए इस दिन औषधि ला करके आप जो हैं वो समर्पित जरूर करें। दोस्तों इसके बाद है झाड़ू। मैं आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बताऊं, क्लियर जानकारी बता रही हूं ताकि आप सभी दर्शक इस चीज़ को खरीदते समय झिझके नहीं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी, जो कचरा है वो राहु। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है, अर्थात झाड़ू से कचरे को घर से बाहर निकाला जाता है। तो झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है कचरा रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहाँ पर गंदगी वातावरण हो वहां पर राहु आते हैं, वहां पर केतु आते हैं, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता लाती है। ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहे गए हैं। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लानी चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लानी चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। और इसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल भर, वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। झाड़ू को दोस्तों माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसीलिए इनकी पूजा करनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।